बम बम बोले जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाय हाय जय डी आर्ट बोर्ड हाय हाय जय डी आर्ट बोर्ड हाय हाय मंदिर के गद्दारों को जूते मारो सालो मंदिर के गद्दारों को जूते मारो सालो को। कमेटी की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करता हूं और हम आपके माध्यम से कुछ तथ्य सामने लाना चाहते हैं। पहली तारीख को हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब से मीटिंग करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में। उसके बाद में उनको शाम को 7 बजे इनवाइट करते हैं कि ये मंदिर में जो पार्किंग बन रही है, जो आपको पता लगा कि मल्टीप्लेक्स पार्किंग कब्जा हो रहा है, सारी ये जो तथ्य है जो आपके सामने सारे तथ्य हैं। और 2 तारीख को मंदिर प्रशासन इसमें एकदम से अपनी नींद से जागता है और इस मुद्दे को पूरे जोरों शोरों के साथ पूरी पॉलिटिकल हर लिहाजे से इसको उठाता है कि मंदिर की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। मगर आज कल जो है 2 लेटर्स आती हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से कि यहाँ पे जो भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद में JDA की आती है कि इसको लुक आफ्टर किया जाएगा। ये एरर था। हम कहते हैं ये 2 साल से इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। 2 साल से क्या ये 2 साल में कंप्यूटर की गलती थी जो यहाँ पे सर्वे हुए? ये कंप्यूटर की गलती थी जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ के 1.5 महीने पहले विजिट्स हुई? ये क्या कंप्यूटर की गलती थी? क्या इस चीज़ में कोई भी मंदिर का प्रशासन या किसी भी मंदिर के प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी गई? हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी मानते हैं। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, पचहत्तर मंदिर वेलफेयर एसोसिएशन ने यह मुद्दा स्टार्ट किया था और 75 रोड मोहल्ला 75 रोड वेलफेयर एसोसिएशन, जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं आए, जो माफिया इन्होंने बताया कि माफिया जुड़ा है, NHICL जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सेंट्रलाइज है, जो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड काम कर रही है, ये माफिया के साथ है, ये है। हम चाहते हैं जो भी लोग इनके साथ जुड़े हैं वो लोग बाहर आएँ। हमें अगर यहाँ पे कोई मंदिर प्रशासन से कोई इनके साथ जो मिला है तो उसको भी एक्सपोज किया है। हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी जब तक नहीं बैठेगी, जब तक ये मसले को नहीं इसका लोगों को नहीं बताया जाता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम ये 2 लेटरों से शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। एज साहिल शर्मा, एज ए प्रेजिडेंट मोहल्ला 75 रोड वेलफेयर एसोसिएशन, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करता हूँ कि जो भी इसमें संलिप्त है, अगर कोई मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें संलिप्त है, जो कोई JDA से संलिप्त है, कोई NHICL से यहाँ इसमें मिला है, कोई इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिला है, उन लोगों को डिस्पोज ऑफ किया जाए, उन लोगों को पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि आइंदा कोई मंदिर का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। पाल सैनी, चेयरमैन बुआ दाती टेम्पल ट्रस्ट, सिविल सेक्रेटरेट जम्मू। जब से ये प्रोसेस चलना शुरू हुआ कार पार्किंग का प्रोसेस चलते हुए 2 साल हो गए, यहाँ साइल टेस्टिंग हुई तो जज साहब कहते हैं कि मुझे कोई पता नहीं है। यहाँ टॉयलेट बनाए गए, जज साहब कहते हैं मुझे कोई पता नहीं है। मंदिर के अंदर 1500 साल पुराना एक दूना था जहाँ गुरु नानक देव भी आके बैठे थे, उन्होंने उसको भी रिमूव कर दिया। जहाँ बहुत सी और चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं कि केयर टेकर को रिमूव किया जाए और जहाँ जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए।